शनि के सप्तम भाव में रहने पर विवाह तो देर से होती ही है। कभी कभी व्यक्ति के अंदर विवाह की इच्छा ही खत्म हो जाती है। परिवार के सभी सदस्यगण कहते रहेंगे विवाह कर लीजिए, परंतु तो उसका मन ही नहीं होगा विवाह करने के लिए, क्योंकि शनि खुद में एक उदासीन ग्रह है और ये एक ठंडा ग्रह है। इसलिए प्रयत्न करना चाहिए कि जब सप्तम में शनि आए तो अगर जातक का या जातिका का विवाह का योग चले कभी तो तुरंत कर देना चाहिए, अन्यथा विवाह की इच्छा उसकी समाप्त हो जाती है। वैसे शनि चाहे जहां भी रहे है तो दुख का कारक, परंतु अगर व्यक्ति महत्वपूर्ण है तो किस राशि में है, किस नक्षत्र में है, उसका क्या परिणाम है, थोड़ा परिणाम बदल जाएंगे। तो ध्यान रखें कि जब भी किसी की कुंडली में सप्तम में शनि हो, तो अगर अच्छा योग कभी निर्माण होता है गोचर में, तो तुरंत उसका उस कार्य को संपन्न कर दें जिस कार्य को करने के लिए आप उद्यत हैं। जैसे वह सप्तम भाव पत्नी या पति को प्राप्त करने का है, साथ में सप्तम भाव छोटे मोटे व्यापार का भी है। इस व्यापार की दृष्टि से भी देखा जाए कि किधर वह जाएगा, तो अगर शनि बार बार रुकावटें डाल रहा है तो इसमें शनि के मंत्र का जप या शनि के 108 नामों का जप ही हमें इस व्याधि से मुक्ति दिलाता है। जैसे इसमें व्यक्ति उदासीन तो रहेगा ही रहेगा, पत्नी अच्छी या पति अच्छा प्राप्त होने का योग तो नहीं होता, परंतु अगर इन मंत्रों का जप करता है तो निश्चित तो उसके विवाह या दाम्पत्य जीवन भी उत्तम प्रकार से व्यतीत हो सकते हैं। ध्यान देने योग्य यह बात है कि शनि को जब भी करें तो शनिवार के दिन शमी के काष्ठ के द्वारा गाय के घी से गाय के गोबर पे हवन करें, तो इससे सद्य शुभ फलों की प्राप्ति होती है। मंत्र कोई भी साधारण सा मंत्र किसी से ले लीजिए, जैसे ओम प्रांग प्रेंग प्रौं सः शनये नमः, इस मंत्र का भी प्रयोग करने से हो जाएगा, या ओम शन्नो देवी रविष्ट आपो भवन्तु पीतये संज्योरभिश्रवन्तु नः, इस मंत्र का भी जप कर सकते हैं, वैदिक मंत्र है। और संग सनश्चराय नमः, इस मंत्र का भी जप कर सकते हैं, या ह्रीं नीलांजन शमाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छाया मार्तंड संभूतं तम नमामि सनेश्चरम, इस मंत्र का करें तो भी बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। और ह्रीं संपुट लगा के ही करें। जय श्री राधे।